Keep it real. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर हिमांशु। तो कैसे हैं आप? तो बने रहिए चैनल पे और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैगनार BXI के फ्यूज बॉक्स के बारे में, जो कि अंडर वॉनेट होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और ये फ्यूज बॉक्स दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। तो पहला कंपार्टमेंट आपको ये दिखा रहा हूँ, जिस पर लिखा है 2, 3, 27, 28 और 1। और दूसरा कंपार्टमेंट आपको मैं दिखाता हूँ, वो है ये वाला, जो कि लिखा है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। क्या बोला तूने? 33, 34, 35। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला फ्यूज है आपका 80 एम्पियर का, जो कि ऑल इलेक्ट्रिक लोड का होता है, जिसमें आपके कई सारे लोड आते हैं। और दूसरे फ्यूज की बात कर लें तो वो है आपका 50 एम्पियर का, जो कि डोम लाइट का है या टेल लाइट का, और इसमें आपका डोर लॉक का भी होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तीसरे नंबर पे आता है आपका पावर विंडो का और हीटर का और वाइपर का और इग्निशन का, जो कि आपका 50 एम्पियर का होता है। तो चौथे नंबर पे होता है आपका, जो कि है फ्रंट फॉग लाइट रिले का, जो कि नीली कलर की रिले है, जिस पर 4 लिखा हुआ है, वही है आपका 4 नंबर का। पाँचवें नंबर पर आ जाए तो वो है आपकी स्टार्टिंग मोटर रिले, जो कि 5 लिखा है उस पर, देखिए आप। और तीसरे नंबर पे आ जाएं CNG एंड वॉल्व रिले, जो किसी काम में नहीं है, जैसे इसमें भी एम्प्टी है, 6 और 7 दोनों एम्प्टी हैं एक तरफ से। इसमें आप चाहें तो हेडलाइट रिले ला सकते हैं 7th में। और 8th की बात कर लें तो ये है आपका AC कंप्रेसर रिले, जो कि 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर बात कर लें तो वो हमारा किसी भी काम में नहीं है, अगर आप अलग से हेडलाइट रिले लगवाते हैं तो वो काम में आएगा आपके। फिर अब हम बात कर लें 10वें नंबर पे, तो वो है आपका ABS कंट्रोल मॉड्यूल फ्यूज़। तो ये होता है आपका 30 एम्पियर का। और इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर पे, वो है आपका 40 एम्पियर का, जो कि पावर स्टीयरिंग का होता है। 12 नंबर पे आ जाएं तो 12 नंबर का होता है आपका 40 एम्पियर का, जो कि ABS कंट्रोल मॉड्यूल फर्स्ट का होता है। 13वें नंबर पर बात कर लें तो वो है आपका 30 एम्पियर का, जो कि इग्निशन स्विच का है, जिसे हम चावी स्विच भी कह सकते हैं। और 14वें नंबर पर बात कर लें तो वो है हमारा 10 एम्पियर का, जो कि AC कंप्रेसर का है, इससे अगर आपकी AC लोड नहीं लेती तो इसे चेक कर लें। और 15 नंबर पे आ जाएं तो वो है आपका CNG बाल, जो कि 7.5 एम्पियर का है, और 15 एम्पियर का AC में हेडलाइट हाई का है, जो कि लेफ्ट हेडलाइट है। 16 नंबर की बात कर लें तो वो है आपका 15 एम्पियर का, जो कि फ्रंट फॉग लाइट का है। और 17वें नंबर की बात करते हैं तो वो है आपका 30 एम्पियर का, जो कि रेडिएटर फैन का है। और 18 नंबर का किसी इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे नॉट यूज्ड के नाम से कह दिया है। 19 नंबर की बात कर लें तो वो है आपका 15 एम्पियर का, जो कि हेडलाइट लेफ्ट का है, और ये हेडलाइट हाई का भी है। तो 20 की बात कर लें तो 20वें नंबर पे है आपका 15 एम्पियर का, जो कि हेडलाइट राइट का है, और 20 नंबर पे ही आपका हेडलाइट लेफ्ट का भी है। और फिर हम आपके 21 नंबर के फ्यूज की बात कर लें तो वो है आपका 15 एम्पियर का, जो कि हेडलाइट लो का है, जो कि राइट में, राइट साइड का। और 22वें नंबर की बात कर लें तो वो है आपका 30 एम्पियर का, जो कि स्टार्टिंग मोटर का है। और फिर हम आपकी बात करते हैं 23वें नंबर पे, जो कि 15 एम्पियर का है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन का है, कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल रह गया है, कितना नहीं रह गया है। तो 27वें नंबर की बात कर लें, वो है आपका हेडलाइट का, AC कंप्रेसर का, फ्रंट फॉग लाइट का और रेडिएटर का, जो इसमें सबरे आपके तार ही दिख रहे हैं, ये सब तार बोनेट से अंदर होते हुए गाड़ी में जाएंगे। तो 24वें नंबर पे बात कर लें तो वो है आपका रेडिएटर फैन रिले। और 25वें नंबर पे है आपकी फ्यूल पंप रिले। और 26वें नंबर पे है आपकी मेन रिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैंने और भी सारी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।